अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के ऐतिहासिक दिन पर लौनकरी जमशेदपुर में भी जश्न मना, पर जश्न के साथ सियासत भी हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद कोरोना से त्रस्त लोगों के जीवन में मानो आज कुछ नया हो गया। राजनेता भी उत्साहित हुए। कहीं न कहीं राम मंदिर का राजनीतिक फायदा देर सवेर मिलने की एक उम्मीद ने राजनीतिक उत्साह का संचार कर दिया। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा राम मंदिर को खूब सजाया गया और पूर्व सीएम रघुवर दास ने घर में रहकर ही खुशियां मनाई। उधर कांग्रेसियों ने आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में हवन का आयोजन कर डाला। ये हवन राम मंदिर के पक्ष में और शंकराचार्य के हिसाब से भूमि पूजन काल को अशुभ बताने पर उसके दोष को मिटाने के लिए किया गया। कांग्रेस ने इससे दो काम किए, एक तो राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश की और दूसरे पीएम पर शंकराचार्य के माध्यम से निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि राम तो सबके हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसी दूसरी पार्टी पर कोई निशाना नहीं साधा। काफी खुशी हो रही होगी क्योंकि इस दिन को देखने के लिए हमारी पूर्वजों ने भी काफी कुर्बानी दी है। हम या हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्त राम भक्त ने कार सेवा के रूप में 1992 में जो आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से जो रामरथ, उस रामरथ के माध्यम से एक राष्ट्रीय भावना जागृत करने का काम। एक तरफ ये भी विवाद है कि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भादो मास में नहीं होना चाहिए किसी तरीके का शुभ कार्य, इसको हड़बड़ी में किया गया। तो हम लोग ये मानते हैं कि जनमानस की भावना है और धर्म के प्रति आस्था है, तो अब धर्म के प्रति आस्था निर्धारित करने का काम शंकराचार्य का है और अगर वो बोल रहे हैं कि अशुभ घड़ी है, इसमें नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आज यहाँ पर अपने स्तर पर भगवान का यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं इस प्रार्थना के साथ कि हम सभी मानव हैं, हमसे यदि कोई भूल होती है तो उस भूल को क्षमा करें। उधर सरयू राय कहाँ कांग्रेस को छोड़ने वाले। उन्होंने पहले तो ये बताया कि भादो का महीना अशुभ नहीं होता और फिर कांग्रेसियों को सलाह दी कि अगर वो राम मंदिर के आंदोलन और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को आज याद कर रहे हैं तो उन्हें जोर शोर से इसका प्रचार करना चाहिए था। सरयू राय ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे राम मंदिर के मसले को वे आक्षेप के रूप में लेते थे और आज इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरयू राय ने बीजेपी को भी सुना दिया कि राम राज की सिर्फ बात करना काफी नहीं बल्कि उसे यथार्थ में उतारना होगा। साथ ही सरयू राय ने इच्छा व्यक्त की कि अयोध्या की ही तरह काशी और मथुरा का शांतिपूर्वक समाधान निकल जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। प्रेस के लोगों को जोरदार तरीके से कहना चाहिए, अभी तक वो नहीं कहते रहे हैं। अभी तक तो इस श्री राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में वो बाधाएं उपस्थित करते रहे हैं। ये ठीक है, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय ही शिलान्यास हुआ था, 1986 में ताला खुला था, उनकी सरकार थी। 1949 में जब मंदिर में रामलला की प्रतिमा रखी गई थी तब भी देश में कांग्रेस की सरकार थी, ये बात उनको आज याद आ रही है। उधर राजनीति से परे आम लोगों ने इस दिन को अपने तरीके से मनाया। साक्षी गोल चक्कर पर कुछ लोगों ने लड्डू वितरण कर दिए जलाए। हालांकि प्रशासन ने किसी भी प्रकार की गैदरिंग को लेकर चेतावनी दी थी। वहीं कांग्रेस के हवन को फेसबुक लाइव किया गया ताकि ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित न हो और ऑनलाइन ही देखें। का दिन है आज, हमारे राम जी का भूमि पूजन हो रहा है मंदिर का, इसके लिए हम लोग पूरा देश खुश है, पूरा दुनिया खुश है। मोदी जी उसका आधारशिला रख रहे हैं और सारा देश का प्रतीक, दुनिया का प्रतीक श्री राम है, तो उसी खुशी में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम हे राम। भले ही राजनीति से जुड़े लोग राम मंदिर को लेकर राजनीतिक बातें करें लेकिन भगवान राम तो सबके हृदय में है। तो लौह नगरी के लोगों ने भी आज के दिन का जश्न कुछ इसी तरह मनाया है कि वो यही संदेश दे रहे हैं कि वो राजनीति से दूर भगवान राम को ही याद करते हैं। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर।